बिहार में कोरोना के 1609 नए केसेस आए हैं। इन केसेस के साथ ही बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 14,770 पर पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ बिहार में कोरोना से टोटल संक्रमण की संख्या करीब 1,71,000 हो चुकी है। बिहार में अभी तक 870 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। इन सबके बीच में एक राहत की खबर ये है कि बिहार की रिकवरी रेट 51.74% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी 13% ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार की राजधानी पटना है। कल पटना से 202, रोहतास से 135, पूर्णिया से 118, मुजफ्फरपुर से 110, अररिया से 76 केसेस सामने आए हैं और बिहार में अभी तक करीब 59 लाख सैंपल्स की जांच हो चुकी है। और इसी के साथ पूरे भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 55 लाख पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ ठीक हुए लोगों की संख्या भी करीब 45 लाख पहुंच चुकी है। मंगलवार को भारत में 90,000 लोग रिकवर हुए हैं। पूरे विश्व में कोरोना के जितने केसेस हैं, उनमें से 17.7% भारत के हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि पूरे विश्व में अभी तक जितने लोग ठीक हो चुके हैं, उनमें से 19.5% भारत के लोग हैं। भारत में कल सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान से सामने आए हैं, जिनकी संख्या 1912 थी। अब कोरोना के बाद लॉकडाउन तो होना शुरू हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सावधानी बरतना बंद कर दें। बिहार का प्रशासन भी कोरोना को लेकर सख्ती बरतता नजर आ रहा है। मास्क ना पहनने पर और वाहन में लिमिट से ज्यादा लोगों को ले जाने पर लोगों से फाइन वसूले जा रहे हैं। कुछ केसेस तो ऐसे भी रहे हैं जहां वाहन को जब्त कर लिया गया है और बिना जुर्माना किए उसे छोड़ा भी नहीं गया। अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क पहने ना निकलें और सैनिटाइजर को भी हमेशा हैंडी रखें और थोड़े थोड़े देर में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे। पूरे भारत में फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेजेस को खोलने की भी बात चल रही है और ये शायद 1 नवम्बर से हो सकता है। इस खबर में आप सभी के लिए बस इतना ही। कोरोना के नए आंकड़े हम कल सुबह फिर आपके लिए लेकर आएंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप हम तक डोनेशन पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।